लेकिन फिर शायर का कहना है, आज के दौर की बात है, कहना है कि जिन
हरिष्ठ नहीं आते। इस घर में तो रहमत के हरिष्ठ नहीं आते, लेकिन हिंदू भाई मुसलमान भाई दोनों भाई कवाली सुनना है तो सबूत भी देना है। कहना है कि आसमान की बुलंदियों पर उसकी किस्मत होती है जिस अपनी माँ होती है, मंदिर माँ से मस्जिद दोनों जगह है इबादत की। माँ से मंदिर माँ से मस्जिद दोनों जगह है इबादत की। कहीं जा तिलावत होती है जिसको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है। लेकिन श्रवण कुमार ने माता पिता को कंधे पर बिठाया था, पांव में पड़ गए थे, छाले मंदिर तक पहुंचाया था। जिसने की माँ बाप की इज्जत उसकी इज्जत होती है जिसको इस संसार में अपनी माँ से। जिस बेटे की माँ है जिंदा फिर वो किस्मत वाला है, जिस बेटे की माँ है जिंदा फिर वो किस्मत वाला है। और मेरे नबी ने फरमाया घर वो बरकत वाला है, मेरे नबी ने फरमाया घर वो बरकत वाला है। सच्चाई कदरती है जिसको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है। लेकिन सोनी पड़ी है मंदिर, रास्ता उदास है, और जब से गए हो दिल का ये कमरा उदास है। जो बच चुके हैं आपके बेटा है लापता, उस बूढ़ी माँ का इसलिए चेहरा है। लेकिन कुछ बेटे ऐसे भी हैं, आजकल के जमाना दौर कंप्यूटर का दौर है, गूगल का कहना है, हजरत शायद का कहना, हमारा कहना नहीं है कि आज का बेटा बाप से बद कलाम करता है। क्या बात है, बेटा से बद और ससुराल में ससुर को सलाम करता है, हाय हाय, बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। घर में देता है गालियां माँ को, ससुराल में सास का एहतराम करता है, ससुराल में सास का एहतराम करता है। साई देना और बहन भाई रोता है तो रोने देना, साला साली के लिए खिलौने देना, बहन भाई रोता है तो रोने देना। माँ अगर टूटी चटाई पे बैठी तो अच्छी, सास आ जाए तो मखमल के बिछौने देना। परिषद पढ़ते दुनिया में माँ से बढ़कर कोई है।
की गई थी। कलाम की फरमाइश वो भी मैं पूरी कर देती हूँ। भोजपुरी एक्टर, भोजपुरी, भोजपुरी।